अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है जी आप सबके। तो आपके लिए एक आज गैराज टूर लेके आया हूँ जो कि है जी सैफुर रहमान भाई साहब का, मेरे साथ खड़े हैं और इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं और आज इन्होंने एक टाइम निकाला है मेरे लिए अपनी। इनके पास बाइक्स का कलेक्शन भी है जो कि आपको मैं वीडियो में आगे जाके दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं उनकी गाड़ियों से स्टार्ट करेंगे तो सैफ भाई को मैं अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम अस्सलाम भजन, कैसे हैं, खैरियत ठीक हैं आप? सैफ भाई माशाल्लाह आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि आपके पास यहाँ पे ना सेडान के कलेक्शन नहीं है। आपको मुझे लगता है ज़रा मेरी तरह SUV लवर है ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही भजन, जितनी जिस प्राइस में सेडान लेनी उस प्राइस में SUV का इन्जॉय करें, उसका मज़ा आ रहा है तो बेहतर है, मैंने कहा उस प्राइस में सेडान की बजाय SUV ली जाए। अच्छा तो सबसे पहले तो आपकी गाड़ियों से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंट सा कलर है, नॉर्मली मैंने ये किया का कलर बहुत ही कम देखा, तो स्पोर्टेज है तो ज़रा इसका ज़रा थोड़ा सा बता दें। ये भैया स्पोर्टेज का बेस वेरिएंट है अल्फ़ा। एक्चुअली मेरी ये डेली ड्रिवन कार है, एक्चुअली बच्चों को स्कूल लेके जाना दी होती है कि वो डेली बच्चों को लेके जाता है, स्कूल लेके आता है, और डेली ड्रिवन कार है इसलिए मैंने ज़रा रखी हुई अल्फ़ा सिंपल। इसकी फ्यूल एवरेज है वो ठीक है सेडान के लेवल, मतलब ग्रैंडी और सिविक जितनी दे देती है? जी बिल्कुल, बल्कि उससे अच्छी एवरेज है। अगर आप लाइट फुट से चलाएँ तो ये 10+ देती है आपको लॉन्ग पे, और लोकल भी 9-10 देते चलती है। अच्छा उसके बाद मैं देख रहा हूँ जी यहाँ पे मेरे टाइप की गाड़ी जो खड़ी है और पूरी एक कंप्लीट माफिया वाला सीन दे रही है। वैसे हमारे माफिया वाले को काम नहीं है भाई, ये ना माइंड करिएगा, वैसे एक लुक किया जाता है माशाल्लाह। ब्लैक कलर में रिवो है तो थोड़ा सा ज़रा ये भी सैफ भाई एलैबोरेट कर दें। ये वजन 15 मॉडल है थाई वेरियंट, इसमें मैंने काफ़ी आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन करवाई हुई है, जैसे कि ये हमर की है किट है, इसमें रोको की लाइट्स हैं, ठीक है, HID लाइट्स भी हैं क्योंकि मुझे 4x4 का शौक है और नॉर्दर्न एरिया में जाना होता है। अच्छा, तो HID लाइट्स इंस्टॉल करवाई हैं 2020 की मैंने, रोको की लाइटिंग लगवाए हैं, इसमें ऑटो टेलगेट भी नज़र आ रही है जो बंद हुई है। जी बिल्कुल ऑटो एग्जॉस्ट मैंने लगवाया बाद में। अच्छा ये थाई वाला जो है इसमें कोई डिफरेंट और भी होता है नॉर्मल रिवो से? नॉर्मल रिवो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी आगे, मेरे पास वो भी है। ये इसमें डिफरेंट मेन है, इसमें कंफर्ट का बहुत फ़र्क है, एवरेज का बहुत फ़र्क है। इसमें 8 एयर बैग है, उसमें 2 एयर बैग है। अच्छा अच्छा, आप देख लें जी टोयोटा वाले जो थाईलैंड है उसके लिए कैसी गाड़ी बनाते हैं और हमारे लिए कैसी बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है। एक मुझे इनकी सबसे प्यारी जो चीज़ लगी यहाँ पर, इन्होंने मार्कर लाइट्स लगवाई हैं, मैंने आपको अपनी फोर्ड की वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, इसमें 2015 में 2.8 सिग्मा आ गया था जो कि हमारे पास किसान में 18 में लॉन्च हुआ, ये 15 में उन्होंने कर दिया था 2.8 सिग्मा। थाईलैंड वैसे इन चीज़ों के मामले हमसे बहुत ज़्यादा आगे और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है गाड़ी को लुक बनाया। इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा इंशाल्लाह जल्दी आपके सैफ भाई से थोड़ा सा टाइम लेके। अच्छा नेक्स्ट इनके पास ये रोको खड़ा है। अच्छा ये हाइलक्स है और ये लोकल है, ये 2020 मॉडल है रिवो, इधर पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तानी मेड है, फुल ऑप्शन बी वेरिएंट है। अच्छा ये इसमें मैंने काफ़ी आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन नज़र आ रही है, ये आपके सामने बॉडी किट लगवाई है इसको मैंने, और इसमें मैंने अपना वाइट लाइन की ये सारी इसके अलावा भी आपने काफ़ी इसको भी जरा थोड़ा सा जरा ज़्यादा शशके वाला ग्रुप इसका भी जरा किया कि शशका लगाने। अच्छा जी आगे एक और इनकी एक स्पोर्टेज खड़ी है और ये स्पोर्टेज भी थोड़ी सी डिफरेंट है, और एक तो यहाँ पे इसके ऊपर AWD मतलब ये ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरियंट है, ज़रा इसका भी सैफ भाई दोनों का फ़र्क भी बता दीजिएगा। ये मैंने खुद चलानी होती है या फैमिली के साथ बेगम साथ जाना होता है ये यूज़ करता हूँ, वो बच्चों के लिए रखी हुई है। ये ऑल व्हील ड्राइव है 2021 मॉडल और फुल ऑप्शन है, वाइट कलर इस्लामाबाद का इसका नंबर है। अच्छा। और मैंने बड़ी इसको स्पेशल मेरी गाड़ी है ये। अच्छा ये यहाँ पे आपने ये इसमें कुछ ब्लैक आउट करवाया हुआ है थीम के कलर मैचिंग के लिए, कंट्रास्ट के लिए किया हुआ है? एक्चुअली इसमें आता है कंपनी से ना वो क्रोम, लेकिन मुझे क्रोम इतना अच्छा लगता है, मुझे ज़रा मैट लुक अच्छी लगती है इसलिए इसको मैंने मैट लुक दिया हुआ। और रिम भी आपने उसके ऊपर जो है वो पेपर लगवाया हुआ है? जी मैंने पेपर लगवा के रिम भी ब्लैक ही हुए हैं और क्रोम। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ ऑल व्हील ड्राइव के, एक तो आपको नॉर्मल जो अल्फा है उसके साथ ड्राइव ट्रेन का तो फ़र्क मिलेगा सामने लाइट्स हैं ये भी चेंज है, इसमें लेदर सीट्स आती हैं, इसके हम अंदर पैनारोमिक रूफ आता है, इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं, इसके अलावा इसमें ऑटो टेलगेट आती है। अच्छा अब जो यंगस्टर हैं उनके लिए, जो बाइक लवर है ना उनके लिए कलेक्शन मैं लेके आ रहा हूँ, और मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो सैफ भाई को मेरे ख्याल में बाइक्स का बहुत शौक है और माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बाइक और बड़े महंगे महंगे बाइक्स इन्होंने रखे हैं। तो सबसे पहले तो है जी सुजुकी का जिक्सर और कलर पे देखें तो टू टोन कलर बहुत ही खूबसूरत है। सैफ भाई ज़रा थोड़ा सा बताएँ इस बाइक का। ये जिक्सर 750 है, 2018 मॉडल है और 2022 की इंपोर्ट है, ये मैंने अपने बड़े भाई से दुबई से मंगवाएं, ये मुझे 4.5 मिलियन में कॉस्ट पड़ा है एक सिंगल बाइक। जी 45 लाख रुपए का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इसमें एग्जॉस्ट जो है ये जेन्युइन लगा हुआ है? जेन्युइन कंपनी फिटेड है। राइड वाइज ये सही है, राइड वाइज बहुत अच्छा बाइक है, नियर जैसे 1000 बाइक की पिक है वैसे इतना इसकी पिक है। अच्छा जी अब आपको हम जापान से सीधा लेके जा रहे हैं यूरोप, और यूरोप में जी ये डुकैटी का बाइक है, बहुत मशहूर कंपनी है, इटालियन कंपनी है, और ये अब सैफ भाई ज़रा इसका भी डुकैटी का भी थोड़ा सा बता दें। ये डुकैटी का 2019 मॉडल है और इसकी 22 की इंपोर्ट है और इसकी टॉप स्पीड है 330। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये लेटेस्ट इसकी जनरेशन है 959 पेनीगल।
ओवरऑल वैसे मैंने देखा है इन दो बाइक्स में इसकी शेप ज़्यादा प्यारी है जी। ये सबसे महंगा बाइक है और सबसे प्यारा बाइक है और मेरा फेवरेट सबसे बाइक है ये। मुझे 8 मिलियन में कॉस्ट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसकी राइड स्टिफ है या सॉफ्ट है? नहीं नहीं, ड्राइव इसकी बहुत कंफर्टेबल है चलाने में, जैसे आप स्ट्रीट बाइक चला रहे हैं इस तरह की इसकी राइड है, बड़ी कंफर्टेबल। इसमें एयर सस्पेंशन है, जब 200+ जाता है स्पीड पे ऑटोमेटिकली ये ग्राउंडेड हो जाता है, थोड़ा सा नीचे हो जाता है और ज्यादा रोड ग्रिप के लिए। रोड ग्रिप के लिए। अच्छा, तो आप इसको आप इसको वीकेंड पे लेके चलते हैं? हाँ, नजर आ रहा है ये जो सस्पेंशन है, आप इसको वीकेंड में कहीं बाहर लेके चलते हैं? जी जी, हम फ्राइडे को लेजेंड बाइकर ग्रुप है हमारे फैसलाबाद में, उनके साथ जाते हैं राइड करने। अच्छा जी, उसके बाद अब दोबारा हम आपको जापान ले जाते हैं जी वापस, और इधर आ जाए तो यहाँ पे एक और सुजुकी का बाइक खड़ा है। साहब भाई, जरा इसको भी इंट्रोडक्शन दें। ये मेरा पहला बाइक है जी पाकिस्तान में, सबसे पहले मैंने ये बाइक लिया था जिक्सर 600। ये 2013 मॉडल, 18 की इंपोर्ट है और मेरा रेगुलर यही मैं बाइक चलाता था, लेकिन मैंने दो बाइक से इंपोर्ट किए हैं जो मैंने अभी दिखाए आपको। ये बड़ा अच्छा रीजनेबल बाइक है, मतलब कंफर्टेबल, आरामदेह चलाने के लिए, रूटीन में चलाने के लिए बड़ा अच्छा, सिंपल। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि जितनी भी बाइकर कम्युनिटी है, जो भी बंदे मतलब हैवी बाइक्स के जो शौकीन है ना, वो जिक्सर 600 पे आते हैं, यामा R6 पे क्यों नहीं जाते? ये ठंडा बाइक है, पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से चलाने में बड़ा आसान है, ज़रा गर्म नहीं बहुत ज़्यादा, वो हीट बाइकर हैं तो वो ज़्यादा चलानी मुश्किल है, ज़रा ये ईजी है। अच्छा, ये यामा से ज़्यादा कंफर्टेबल है? और ये स्टार्ट करने के लिए पहला बाइक है आपका, स्टार्टिंग यहाँ से कर की जाए तो बेहतर। जो लोग मतलब स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक में यहाँ से स्टार्ट करो, मैंने भी इसी से स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, एक आगे एक और बाइक खड़ी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यामा R6 है और ये सैफ बाइक की नहीं है, लेकिन वो जांबाज की है, जो मेरे दोस्त हैं जिनकी मैं वीडियो लेके आया था। तो आपका यामा के बारे में कोई ओपिनियन? यामा बहुत अच्छा बाइक है, लेकिन ये बहुत हीट है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म बाइक है, नाजुक है, बहुत हीट निकालता है, इसलिए मैंने नहीं लिया, वरना ये बाइक बहुत खूबसूरत ज़्यादा है। नहीं नहीं, वाकई खूबसूरत तो है, बस ये मतलब थोड़ा ज़्यादा नाजुक है। मैंने वैसे भी देखा इसकी राइड जो है उसकी निस्बत ज़्यादा हाइट है, बैठ के देखा ना उसके ऊपर, हीट बहुत ज़्यादा निकालता है। वैदर पाकिस्तानी वैदर फ्रेंडली नहीं है, ठंडे इलाकों वाला है। हाँ, दूसरे बाइक वैदर फ्रेंडली है, ये वैदर फ्रेंडली नहीं है, स्पेशली फैसलाबाद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है यहाँ पर कितनी गर्मी होती है फैसलाबाद। ठीक हो गया, तो सैफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने बाइक्स के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा इनके बाइक्स के ऊपर भी, और इंशाल्लाह जो हाइलक्स है उसके ऊपर भी लेके आऊँगा। और सैफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना टाइम निकाला इस वीडियो के लिए। और ये था एक छोटा सा यार ओवरव्यू इनके गैराज का, और बड़ी ये इन्होंने गाड़ियाँ अरेंज की बड़ी जल्दी जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।